नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। पूर्व अध्यक्ष का सरकार पर हमला, बोले मोदी सरकार महंगाई को रोकने हर मोर्चे पर नाकाम रही, शिवराज सरकार से उब चुकी है जनता। युवा सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमारा युवा भी चीन को दिखा रहा है आंख, देश में बम विस्फोट नहीं होते, धारा 370 का कलंक मिट गया। छतरपुर में सरकारी कार्यालय पर चोरों का हमला, महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय से कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर सहित अन्य सामान चोरी। दिग्विजय सिंह ने भाजपा की तुलना हिटलर से करी, बोले बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, गृहमंत्री नरोत्तम का पलटवार, कांग्रेस की करे चिंता। भोपाल में 5 नए डेंगू मरीज मिले, 567 पहुंची मरीजों की संख्या, अक्टूबर में 151 डेंगू मरीज मिले। होशंगाबाद में रेत माफिया की गुंडागर्दी, रॉयल्टी ऑफिस में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया, FIR के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। इंदौर में फिर 8 नए कोरोना पॉजिटिव, 48 घंटे में 17 पॉजिटिव, अब भवरकुआं, लसूरिया, खजराना, एरोड्रम क्षेत्र में मिले संक्रमित। राजवाड़ा पर निगम ने बोला धावा, 50 दुकानों को किया सील, राजस्व को लेकर की कार्रवाई। छतरपुर में किसानों का प्रदर्शन, खाद न मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने बिजावर कृषि मंडी में की नारेबाजी का प्रदर्शन। मालगाड़ी के कारण यात्री ट्रेनें प्रभावित, भोपाल से सिंगरौली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रद्द, 2 बार पहले भी हो चुकी है कैंसिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।